सकती है, लेकिन देखने में यह आया कि उसके बरक्स फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपका क्या मौकिफ है इस हवाले से? देखिए, फवाद चौधरी को अभी उन्होंने गिरफ्तार किया, जितना ही वापस पहुंचे हैं वहां पर पुलिस की चार गाड़ियां आई कोर्ट की, उन्होंने उनको वहां से जो है वो गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके उनको ठोकर न्याज बेग की तरफ जो है ये लेकर, और मुझे ये शक है कि ये उनको इस्लामाबाद की तरफ शहर से बाहर जो है वो लेके जा रहे हैं। और ये बेसिकली हुकूमत लहर का शिकार हो गई, और जिस किस्म के ये ऊंचे हथकंड इस्तेमाल कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि ये मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ नहीं लेके जाना, अदम इस्तेहकाम। ठीक है फवाद चौधरी साहब, ये बताइएगा कि एक बयान पर अगर ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है तो आप क्या समझते हैं? बयान तो मुराद सईद फारूक हबीब साहब, ये बताइएगा कि बयान तो मुराद सईद की जानिब से भी दिया गया था, तो आप क्या समझते हैं कि बाकी पीटीआई के रहनुमा भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं? नहीं देखें, ये तो बयान से कि इनको नहीं किया गया, बयान की बुनियाद के ऊपर नहीं किया गया, ये एक सोची समझी इनकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग के तहत ये तमाम तर जो है वो कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। और जिस तरह हमें आज सुनील थी और ये हमें खबर मिल गई थी वहां पर कि आज सीसीटीवी ऑफिस लाहौर के अंदर ये बात की जा रही थी कि इस्लामाबाद किस तरीके से लेके जाना है, कौन कौन लेके जाए, तो ये इतलात थी हमें कि ये इमरान खान साहब की तरफ जाएंगे उनको गिरफ्तार करने या हमारे किसी रहनुमा को गिरफ्तार करेंगे। तो फवाद चौधरी को आज इन्होंने अपना टारगेट बनाया है, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया। सही। अच्छा फारूक हबीब साहब, ये भी बता दो चलिए, गिरफ्तारी के हवाले से जो गाड़ियां उनको पुलिस की पकड़ के लेके गई, उनकी वीडियो ट्विटर पे ट्वीट पे शेयर की और ये उनको गिरफ्तार करके ठोकर नियाज बेग के आगे ले गए। मैंने एक जगह इनको रोकने की कोशिश की है रास्ते में, लेकिन इनके साथ लोग ज्यादा थे तो वहां से ये निकल गए और हमारा रास्ता इन्होंने ब्लॉक कर दिया। ठीक है। अच्छा फारूक हबीब साहब, ये भी बताएं कि एक बड़ी कार्रवाई है जो सूबाई हुकूमत की जानिब से की गई है, आपका लाहे अमल अब इस पर क्या होगा पीटीआई का? देखें, ये तो मुल्क को इंतशार की तरफ लेके जाना चाहते हैं, जिस किस्म के ये इकदाम कर रहे हैं ये किसी से कोई ढके इकदाम तो नहीं है, और मैं समझता हूँ कि इससे मुल्क का फायदा नहीं, मुल्क का नुकसान हो रहा है। ये चाहते क्या है? बुनियादी चीज तो ये है कि इनको मुल्क के इंतखाबात की तरफ लेके जाना चाहिए, हमारे रहनुमाओं को हमारे पार्टी के लोगों को गिरफ्तार करके क्या मिलेगा इन लोगों को, इससे क्या ये हासिल करना चाहते हैं? ये तमाम चीजें जो हैं वो ला हासिल है। पीटीआई के सीनियर रहनुमा फारूक हबीब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक हबीब साहब, ये भी बताते चलिए कि आप लाहे अमल के हवाले से हमको आगाह कर रहे थे कि पीटीआई अब इस पर क्या लाहे अमल जो है वो इख्तियार कर सकती है, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह फवाद चौधरी की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है बिना किसी वजह के, तो ये किस तरफ इशारा है? क्या ये इंतशार की तरफ इशारा है? देखिए, ये मुल्क को मैंने आपको पहले कहा कि इन इस किस्म की गिरफ्तारियों से आप पॉलिटिकल वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार करेंगे, उसका वो अपना जमहूरी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। क्या इस मुल्क के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो अपना आजादाना तौर के ऊपर अपना काम नहीं कर सकती? फवाद चौधरी ने क्या किया है? फवाद चौधरी हमारी पार्टी के तर्जमान है, जो पार्टी पॉलिसी है उसकी तर्जमानी करते हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी का क्या कसूर है? क्या उनके ऊपर कोई करप्शन का मुकदमा है जो उनको घर से उठा के ले गए? ये तो ऐसा जो है इस मुल्क के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक का जो है वो इन्होंने मौतल कर दिए हैं, ये कानून की धज्जियां उड़ाई हैं इन्होंने, और मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे इकदाम के। ठीक है ठीक है फारूक हबीब साहब, ये बताइएगा कि जैसे ही सीएम की अपॉइंटमेंट हुई है उसके फौरन बाद से ही हमने देखा ये पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया है, तो बजाय इसके कि सीएम ने आते ही मुल्क में जो मौशी सूरत हाल है अभी आप ये सेफ सिटी की लाहौर की फुटेजेस निकाल लें, जिस रस्ते से इनको लेके गए, ये सारा डिफेंस मोड़ से जो फिरोजपुर रोड से बरकत मार्केट से यूनिवर्सिटी कैंपस से कैनाल रोड की तरफ ये लेके गए, वो इनको किसी ने कोई ढका छुपा थोड़ी है।
अच्छा फारूक हबीब साहब, आप क्या समझते हैं निगरान वज़ीर-ए-आला के खिलाफ जिस तरह से पीटीआई की जानिब से एहतजाज किया गया सारा दिन और पीटीआई की जानिब से पिटीशन भी दायर करवाई जाएगी, तो क्या ये उसका रद्द अमल है? क्या पीटीआई को रोकने के लिए ये एक कारिंदा है कि इस तरह से पीटीआई को रोका जा सकता है अवाम में मकबूलियत को? ये रोक नहीं सकते, ये अब कोई एक दो तीन चार लोगों की मूवमेंट का मसला नहीं रह गया, ये 22 करोड़ पाकिस्तानियों की हकूक की जंग है, ये उनके हकूक की जंग जो है वो इमरान खान लड़ रहा है और ये वो इकदाम कर रहे हैं। इकदाम से मैं समझता हूँ कि मुल्क को कुछ हासिल होने वाला नहीं, सवाए मुल्क के नुकसान के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया, ना पहले इन्होंने कुछ किया है ना अब कोई मुल्क को फायदा होगा। ठीक है फारूक हबीब साहब, आप हमें ये बता रहे हैं कि मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि जो सीएम की अपॉइंट इन्होंने लगाया और ये उनको लगाकर इन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर जिस किस्म की जो 25 मई के लोग जो तशद्दुद की कार्रवाइयों में दबत रहे हैं उन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया है, वही ये सारी कार्रवाइयां करवा रहे हैं और क्या रह गया इनको? ये नजर आता है फौज चौधरी खुल के बात करते हैं, अपनी राय का इजहार खुल के करते हैं, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया। ठीक है, अच्छा फारूक हबीब साहब ये भी बताइएगा, आखिर में आपसे एक सवाल और करूंगी मैं, आप ये क्या समझते हैं कि पीटीआई के कारकुनान को या पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार करके